एआई पोर्ट्रेट एक एआई बेस्ड एल्गोरिथम है जिसको यूज करके हम वेरियस इफेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं किसी वीडियो में बिना ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा की को यूज किए हुए, और फिर जो आउटपुट आता है, जो एक्सट्रैक्टेड आउटपुट आता है, उसको हम फर्दर इन्हांस कर सकते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड वीडियो इफेक्ट्स हैं उनको यूज करके। ये जो एल्गोरिथम है ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है अगर रियल पर्सन कैमरा को फेस कर रहा हो, उसके पीछे क्लटर्ड बैकग्राउंड ना हो और वो करेक्टर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स ना कर रहा हो। अगर ये सब आपको मिलता है तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, बेस्ट आउटपुट मिलते हैं इस एल्गोरिथम से। जो एआई स्टिकर्स फीचर है उसको यूज़ करके आप अपने वीडियो में पर्सनालिटी को ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे काम करते हैं ये दोनों फीचर्स, एआई पोर्ट्रेट एंड एआई स्टिकर्स। ओपन दिस फाइल ai-portrait-star.wfp। इसमें हमारे पास दो क्लिप्स हैं। अब AI पोर्ट्रेट इफेक्ट को या उस एल्गोरिदम को एक्सेस करने के लिए आपको इफेक्ट्स में जाना होगा, फिर सेलेक्ट करना होगा AI पोर्ट्रेट, और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जैसे ह्यूमन सेगमेंटेशन है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी जनरेट करनी है, मतलब कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप ह्यूमन सेगमेंटेशन इफेक्ट को यहाँ से लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको बॉर्डर बनाना है तो ह्यूमन बॉर्डर इफेक्ट आप यहाँ से लेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास ये क्लिप है और मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ ह्यूमन ग्लिच को और ड्रॉप करता हूँ यहाँ इस ट्रैक पर, तो यहाँ पे ये मैसेज बॉक्स आपके सामने आएगा। अब ये मैसेज बॉक्स क्या कह रहा है कि या तो आप ट्राई कर लो या फिर आप परचेज कर लो, क्योंकि ये पेड एड ऑन है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस इफेक्ट को यहाँ से फिल्मोरा से, तो आपको ये खरीदना पड़ेगा। अभी हम इसे ट्राई इट कर लेते हैं, और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर डाला, इसने डिटेक्ट किया है ह्यूमन को, ह्यूमन की जो बॉडी है उसको यहाँ पर डिटेक्ट किया है, बैकग्राउंड को इसने इग्नोर किया है, और उस ह्यूमन के चारों ओर इन्होंने इसने ये ग्लिच इफेक्ट बना दिया है। ये देखिए, अब अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है इफेक्ट को, तो जैसे हम कोई भी इफेक्ट को मॉडिफाई करते हैं उसी तरह से होगा। डबल क्लिक करना होगा लेयर पर यहाँ पर, और फिर ये इफेक्ट में ह्यूमन ग्लिच हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसके पैरामीटर्स को। इसी तरीके से हमारे पास है ह्यूमन सेगमेंटेशन, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, अगेन ट्राई इट। तो ये देखिए कि यहाँ पर इसने डिटेक्ट किया है एजेस को और बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि नीचे हमारे पास एक ग्रेडियंट लेयर है। अगर यहाँ ट्रांसपेरेंसी जनरेट हुई है, जैसे कि ये ब्लैक दिखा रहा है, तो फिर ये लेयर क्यों नहीं दिख रही, ग्रेडियंट लेयर क्यों नहीं दिख रही? वो इसलिए नहीं दिख रही कि अगर आपने डायरेक्टली क्लिप के ऊपर ड्रॉप नहीं किया ह्यूमन सेगमेंटेशन इफेक्ट को, तो ट्रांसपेरेंसी जनरेट नहीं होगी। अगर आपने डायरेक्टली इस पर ड्रॉप किया है तभी ट्रांसपेरेंसी जनरेट होगी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इस बार हम ड्रॉप कर देते हैं डायरेक्टली क्लिप के ऊपर। फिर से ट्राई इट करेंगे, पीछे जो येलो ग्रेडियंट है नीचे वो आप यहाँ पर दिखने लग गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन सेगमेंटेशन इफेक्ट के लिए आपको अगर ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए तो आपको डायरेक्टली क्लिप के ऊपर ड्रॉप करना है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉर्डर इफेक्ट आपने बहुत देखा होगा, ये बॉर्डर आ जाता है इस तरीके से, थंबनेल्स में बहुत यूज करते हैं लोग इसको। इसी तरह से यहाँ पे और भी इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अप्लाई किए हुए ऑलरेडी, इनको प्ले करके देखते हैं और इनके आउटपुट को देखते हैं क्या क्या आउटपुट हमें देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास AR स्टिकर्स हैं यहाँ पर। कोई भी स्टिकर आप ड्रॉप करेंगे, जैसे ये आईज़ के ऊपर हार्ट्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ भी जो करेक्टर है उसकी आईज़ को डिटेक्ट करेगा और उनको वहाँ पे प्लेस कर देगा। ये देखिए, और इसकी खूबी ये है कि ये करेक्टर के साथ साथ इनका मोमेंट होगा एक तरह से, जैसे कि ट्रैक किया जा रहा हो आईज़ को, और फिर उस ट्रैकिंग डेटा से इन हार्ट्स को अटैच कर दिया हो। देखिए, आप मल्टीपल स्टिकर्स भी लगा सकते हैं एक क्लिप पे, जैसे यहाँ पर ये इमोजी वाली
इमोजी वाला स्टिकर है, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ एक नई लेयर पे, और आप देखिए अब हार्ट्स एंड इमोजीज दोनों उसके हेड मूवमेंट के साथ मूव करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं अगर रियल और सिंगल करेक्टर हो, जैसे यहाँ पे रियल करेक्टर है, सिंगल करेक्टर है, दो तीन करेक्टर्स यहाँ पे डांस नहीं कर रहे, बैकग्राउंड में कोई क्लटर नहीं है, तो ये सब कंडीशंस यहाँ पे हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा ट्रैक मिल रहा है। लेकिन जैसे अब हम दूसरी क्लिप में देखें, इसमें करेक्टर है, इसमें बैकग्राउंड में पौधा भी है और करेक्टर काफ़ी मूवमेंट भी कर रहा है, इस पर अगर हम एक इफेक्ट लगा के देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इश्यूज आ सकते हैं जब आप ऐसे क्लिप पे लगाएं जिसमें करेक्टर बहुत मूवमेंट कर रहा हो या उसका बैकग्राउंड में क्लटर हो। देखिए आप देख सकते हैं कि वैसे तो इसमें इसने बहुत अच्छे से इसको डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन कभी कभी जो बॉर्डर है वो पत्तों पे भी जा रहा है जो पीछे हैं। तो जहां तक हो सके क्लीन बैकग्राउंड रखें, सिंगल करेक्टर रखें, कैमरा को वो फेस कर रहा हो और पीछे अगर यूनिफॉर्म कलर हो, एक जैसा कलर हो बैकग्राउंड में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। फिल्मोरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड केवल दो ही टूल्स हैं, दो ही फीचर्स हैं, AI पोर्ट्रेट एंड AI स्टिकर्स। लेकिन फ्यूचर AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र में।